हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वन टच लोन ऐप के बारे में। वन टच लोन ऐप किस तरीके का ऐप है, यहां पर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, यहां से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये ऐप सही है कि नहीं सही है, लोगों का क्या कहना है इस ऐप के बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वन टच लोन ऐप एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है, जहां से आप इंस्टेंटली लोन अपने अकाउंट में पा सकते हैं और फिर कुछ इंटरेस्ट के साथ आप उसको रिपे कर सकते हैं, ऐसा इनका दावा है। इनका दावा यह भी है कि यहां से आप 50,000 से लेकर 5,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। एक साल का आपको टाइम मिलेगा, इंटरेस्ट ये 3% लगाते हैं और प्रोसेसिंग फीस ये चार्ज करते हैं 1,000 से लेकर 1,500 तक, और मैक्सिमम APR ये 36% तक चार्ज करते हैं। लोन लेने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग स्टेटमेंट देना पड़ेगा, KYC करानी पड़ेगी, उसके बाद जो लोन है आपके अकाउंट में आ जाएगा और फिर आप उसको रिपे कर सकते हैं, ऐसा इनका दावा है। अब बात करते हैं लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा जब लोगों ने यहां से लोन लेने की कोशिश की। तो लोगों का ये कहना है कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, डिटेल्स डॉक्यूमेंट देने के बाद, उसके बाद ये लोग बताते हैं कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है। कभी 50,000 का लोन या कुछ और भी बता सकते हैं कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है और आपको उस लोन को लेने के लिए सबसे पहले 2,500 रुपए देना पड़ेगा। अब वो चाहे ये रजिस्ट्रेशन फीस बताएं, चाहे प्रोसेसिंग फीस बताएं, चाहे जो भी बताएं, लेकिन 2,500 रुपए ही आपसे मांगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपने 2,500 रुपए दे दिया, तो 2,500 रुपए देने के बाद ये लोग कहेंगे कि कुछ और आपसे बहाना बनाएंगे और पैसा लेंगे, कहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, 4,000 दे दीजिए या कुछ और, इस तरह से ये डिमांड करेंगे। और अगर आपने 2,500 नहीं दिया है तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, कैंसिलेशन का चार्ज अब आपको देना पड़ेगा और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके अकाउंट से EMI काट ली जाएगी। तो इस तरीका से ये बताते हैं, डराते हैं, लोगों पे प्रेशर बनाते हैं, कॉल आती है, मैसेजेस आती है, लड़कियों की कॉल आती है, वो लोग गंदी भाषा में बात करते हैं, आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, आप पे प्रेशर बनाते हैं कि आप रिपे कर दीजिए और आपको एक पैसा नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये एक तरह का अनसेफ ऐप है, रिस्की ऐप है। अगर आप यहां जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, इस ऐप से आप लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो आप इसी तरीका की झंझट में फंस जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे और आप यहाँ लोन तो आप नहीं ले पाएंगे लेकिन आप खुद पैसा इसको दे देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि लोन के नाम पे क्या हो रहा है। और जानकारी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू स्टॉप लोन ऐप हैरेसमेंट, अगर आप फंस चुके हैं और आप इससे बचने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप फंस चुके हैं तो आप साइबर पोर्टल पर कंप्लेन कर दें। कंप्लेन कैसे करी जाती है, इसके ऊपर भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग सतर्क हो सके, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।